तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इस डिशवॉश लिक्विड में साइट्रिक एसिड को कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको उसका मेजरमेंट किस तरीके से रखना है जिससे कि उसका पीएच भी डाउन ना हो, आपका लिक्विड भी अच्छा बने। मुझे बहुत लोगों ने यार ये क्वेश्चन किया था कि लिक्विड डिशवॉश में हम साइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते, तो भाई आप यूज़ कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको पीएच मेंटेन करना होता है। तो भाई इस वीडियो में मैं सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे कि आप डिशवॉश लिक्विड बना सकते हो, उसमें साइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। साइट्रिक एसिड को यूज़ करने से थोड़ी बहुत चमक बढ़ जाती है, जो वो ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, थोड़ी वो बढ़ जाती है। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आपको 5 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है। मैंने पहले ही डिशवॉश लिक्विड पे बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, पीएच लेवल पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो सारे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें मैं सिर्फ मेज़रमेंट बता रहा हूँ, बनाने की पूरी प्रोसेस मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता देना, मैं इस पर प्रैक्टिकली वीडियो भी करके बता दूंगा। तो सिंपली मैं सिर्फ मेज़रमेंट बता रहा हूँ, आपको 5 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है और उसको 20 ग्राम, अरे सॉरी 15 ग्राम पानी में आपको उसको मिक्स कर देना है। तो ये 20 ग्राम का कास्टिक सोडा का लाई बन जाएगा। जब आप 5 ग्राम कास्टिक को 15 ग्राम पानी में मिक्स कर दोगे, उसके बाद उसको करीब आधे आधे से 1 घंटे के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ठंडे होने के छोड़ने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते, इसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देना। और साथ ही आपको करीब 25 ग्राम तक आपको लेना है एसिड स्लरी, और उस 25 ग्राम एसिड स्लरी को आपको मिक्स कर देना है 200 ग्राम पानी में। ये सिंपल प्रोसेस है, मैं 2 लीटर का बैच बता रहा हूँ आपको। 200 ग्राम पानी में आपको 25 ग्राम एसिड स्लरी को मिक्स कर देना है, ठीक है। और उसका वो जो कास्ट जो एसिड स्लरी का घोल होगा उसको भी आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों चीज़ ठंडी हो जाती है, उसके बाद आपको जो एसिड स्लरी का घोल है उसमें आपको कास्टिक सोडा की लाई को डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसका पीएच आपको करीब 8 से 9 के बीच में लेके आना है, ठीक है, ये खास ध्यान में रखना। इस वक्त आपको पीएच 8 से 9 के बीच में लेके आना है, 9 के ऊपर पीएच नहीं जाना चाहिए। अगर पीएच 9 के ऊपर रहता है, आपके एरिया में जो एसिड स्लरी मिलती है उसके बेस पे अगर पीएच 9 के ऊपर रहता है, तो आपको थोड़ा सा एसिड स्लरी डाल देना है और पीएच 8-9 के अंदर लेके आना है। 8 से ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको साइट्रिक एसिड लेना है। साइट्रिक एसिड का मेज़रमेंट मैं इस वक्त नहीं बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि साइट्रिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं, एक कम पावर वाला होता है, एक मीडियम पावर वाला होता है और एक हाई पावर वाला होता है। आपके एरिया में कौन सा मिलता है मुझे आइडिया नहीं है, ये लोकल जनरल स्टोर में भी मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा परचेस ना करना हो तो आप लोकल जनरल स्टोर में से भी इसको परचेस कर सकते हो। तो अब आप जैसे ही साइट्रिक एसिड को आपको इसमें यूज़ करना है, आप मेज़रमेंट देख लेना आपको जितना इसमें 2 लीटर के बैच में लगता है, और इसका पीएच आपको लेके आना है 7 से 8 के बीच में। आपको उस तरीके से साइट्रिक एसिड को डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और पीएच चेक करते रहना है। जब ये चीज़ आपकी हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा डब्बा लेना है जिसमें आप लिक्विड बनाओगे, ठीक है। और उस डब्बे में आपको पानी लेना है, पानी आपको कितना लेना है मैं बता देता हूँ। उस डब्बे में आपको पानी लेना है 16.5 ग्राम, 1650 ग्राम, 1650 ग्राम। ये चीज़ मेज़रमेंट ध्यान में रखना, 2 लीटर का बैच है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको 1650 ग्राम तक पानी ले लेना है और उसके अंदर आपको जो आपने ये क्लीनिंग पर जो बनाया हुआ है कास्टिक सोडा एसिड स्लरी और साइट्रिक एसिड का जो आपने मिश्रण करके बनाया है, उसको आपको डाल देना है पानी के अंदर और उसको अच्छे से कर देना है मिक्स। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसके बाद आपको उसमें डालना है SLES। SLES आपको थिकनेस के हिसाब से जितना भी आपके एरिया में लगता है आप उतना SLES डाल सकते हो। अगर आपको लिक्विड में रखना है तो आप 100 ग्राम तक आप 2 लीटर के बैच में रख देना, 80 से 100 ग्राम के बीच में आप 2 लीटर के बैच में रख देना। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप 120 ग्राम तक 2 लीटर के बैच में डाल सकते हो, तो 1 लीटर के बैच में 60 ग्राम तक हो जाएगा। जब ये चीज़ आप इस SLES जब आप उस पानी में डाल देते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर दोगे तो फॉर्म बन जाएगा। वो जो फॉर्म बनेगा उसको आपको फॉर्म नीचे बैठने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो उसको करीब आपको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब वो फॉर्म पूरी तरीके से नीचे बैठ जाए,
उसके बाद आपको जितना आपने SLES लिया रहेगा उसका 25-30% तक आपको उसमें सॉल्ट डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये छोड़ने की प्रोसेस, ठंडा होने की प्रोसेस आपको ख़ास ध्यान में रखनी है। गरम जो हीट हुआ रहता है उसमें आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो दिक्कत हो सकती है। प्लस SLES डालने के बाद भी आपको फॉर्म जो होता है उसमें भी अगर आप सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करोगे तो आपको सॉल्ट की मेज़रमेंट नहीं पता चलेगी, इसलिए फॉर्म नीचे बैठ जाने दो, उसके बाद ही आप उसमें सॉल्ट डालो। यही लिक्विड बनाने की परफेक्ट मेथड होती है। तो जब आपको सॉल्ट मेज़रमेंट 25-30% तक आप डाल दो, आपका लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें कलर और परफ्यूम यूज़ करना है। तो कलर और परफ्यूम यूज़ करने के लिए आप डायरेक्ट इसमें कोई भी चीज़ मत डालो, आप दूसरा कोई भी एक छोटा सा डब्बा या छोटा सा ढक्कन टाइप कुछ भी ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना, उसमें आपको कलर और परफ्यूम दोनों चीज़ उस पानी में डालना है और उसको मिक्स कर देना है। और फिर उस पानी को आपको लपके लिक्विड में डाल के मिक्स कर देना है, जिससे कि वो कलर और परफ्यूम आपके लिक्विड में पूरी तरीके से घुल जाएगा और आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक सिंपल और कम्प्लीटली मैंने प्रोसेस बताई हुई है। मैंने इसके पहले वीडियो बहुत सारे बनाए हुए, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता देना, मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी करके बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं इस पर बना चुका हूँ तो मैं सोचा कि भाई अभी तो आइडिया आ ही गया रहेगा, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना। और अगर इस तरीके के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है। ठीक है, थैंक यू।